नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बूटी वर्कआउट। और आप लोगों को भी पता है कि हर एक बॉडी पार्ट को सुंदर बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि हम लोग आप लोगों को वर्कआउट्स बताते हैं। और आज हम लोग आप लोगों के लिए कुछ वर्कआउट्स लाए हैं, वो भी बूटी वर्कआउट्स हैं। और इन सभी बूटी वर्कआउट से आप लोगों का जो बूटी है वो स्ट्रांग बनेगा, हेल्दी बनेगा, और साथ ही आप लोगों के बूटीज में पेन होना जो है वो खत्म हो जाएगा, या हम लोग कहें वहाँ पर आप लोगों का मसल्स मास बनेगा और एक्स्ट्रा जो चर्बी है, विसरल फैट या सबकंटिन्यूस फैट, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन से बूटी वर्कआउट्स आप लोगों को बूटी को सुंदर बनाने के लिए करने चाहिए। नंबर वन है, सबसे पहला, रिस्ट्रिक्टेड बैंड स्क्वाट जंप। इसमें आप लोगों को एक बैंड की जरूरत होती है, रिस्ट्रिक्टेड बैंड की, आप लोगों को पता है। और ये 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को करना है। हर एक एक्सरसाइज के बीच में गैप दिया गया है 10 सेकंड का। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले स्क्वाट पोजिशन लेनी है और उसके बाद में आप लोगों को जंप करना है। जो रिस्ट्रिक्टेड बैंड होगा वो आप लोगों के घुटनों से जस्ट ऊपर की ओर होगा, यानी कि थाइस के जस्ट नीचे वाले पार्ट पर। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन महसूस होगी और जब आप लोग जंप करेंगे तो आप लोग जो हैं अपने बूटीज को ज़्यादा फैलने से रोक सकते हैं। तो इससे क्या होगा, मसल्स मास बनेगा, क्योंकि ये वर्कआउट जो है आप लोगों के बूटी का है। दूसरा है आप लोगों के लिए कि जब आप लोगों का वर्कआउट कंप्लीट हो जाए तो आप लोग रेस्ट कर सकते हैं 10 सेकंड के लिए, और उसके बाद में आप लोग जो हैं नेक्स्ट वर्कआउट यानी कि दूसरे वर्कआउट के लिए जा सकते हैं। दूसरे वर्कआउट का नाम है 4 स्टेप स्क्वाट। 4 स्टेप स्क्वाट को आप लोगों को कितने सेकंड के लिए करना है, 40 सेकंड्स के लिए। इसमें आप लोग देखिए कि दोनों हाथ जो है वो चेस्ट के सामने जो है फोल्डेड पोजीशन पर है। उसके बाद में आप लोगों को स्क्वाट पोजीशन लेनी है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, एक पैर पीछे जो है झुकाते हुए घुटने पर बैठना, उसी प्रकार दूसरे घुटने को भी आप लोगों को फोल्ड कर लेना है। तो ये वज्रासन की होल्डिंग पोजीशन आप लोगों की हो जाएगी। तो ये आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसा आप लोगों को करना है। इससे भी बूटी जो है वो होल्डिंग पोजीशन पर रहने के कारण आप लोगों की इंगेज रह जाती है, और एंगेज होने की वजह से वो जो है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग महसूस आप लोगों करते हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, 10 सेकंड के लिए फिर से आप लोगों के पास आ चुका है रेस्ट। 10 सेकंड का रेस्ट लीजिए, उसके बाद में हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट वर्कआउट के लिए, यानी कि तीसरे वर्कआउट के लिए, साइड लेग रेज। साइड लेग रेज क्या करता है कि आप लोगों की जो बूटी है उसको, या हम लोग कहें हिप ओपनर एक्सरसाइज है, इससे आप लोगों के बहुत बार ऐसा होता है कि हिप्स में पेन होता है, तो वो भी आप लोग जो है रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को क्रिटिकल समस्या है या कोई और समस्या है तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर ले किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले। तीसरी जो एक्सरसाइज है साइड लेग रेज, उसमें आप लोगों को क्या करना है, करवट लेनी है, और एक जैसे कि आप लोग जो हैं यहाँ पर राइट लेग के ऊपर जो है एकदम फिक्स रहेगा आप लोगों का राइट लेग, और जो लेफ्ट लेग है आप लोगों का वो आप लोगों को जस्ट 90 डिग्री के ऊपर उठाने की कोशिश करना है। 90 डिग्री तो नहीं होगी, 80 डिग्री तक आप लोग उठा सकते हैं। तो ये साइड लेग रेज हो गया। अब आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट लेना है और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि फोर्थ एक्सरसाइज के ऊपर। और ये एक्सरसाइज है आप लोगों की नंबर फोर्थ एक्सरसाइज, बैक किक। और इसमें आप लोगों को देखिएगा कि जो बूटी का जो वर्कआउट है वो कितना स्मूथ होता है, इसमें आप लोगों की बूटी इंगेज रहती है। दूसरा वर्कआउट भी आप लोग देखें कि आप लोगों को एक पैर के साथ नहीं, दोनों पैर के साथ जो है 40 सेकंड्स तक ही एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप लोगों की बूटी का अच्छा वर्कआउट हो जाता है, और इसमें आप लोग जो है टेबल टॉप पोजीशन में रहते हैं तो पूरा का पूरा फोकस ही आप लोगों का बूटी पर रहता है। तो ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ये एक्सरसाइज करना नहीं छोड़िए, सुबह उठकर ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए ताकि आप लोगों का हर एक बॉडी पार्ट जो है वो अच्छा बने, हेल्दी बने, स्ट्रॉन्ग बने। तो ये 40 सेकंड पूरे हो चुके हैं, उसके बाद में 10 सेकंड का फिर से रेस्ट आ जाता है। और मैंने ये कहा था आप लोगों को 10 सेकंड में आप लोगों को रेस्ट करना है ताकि आप लोगों की मसल्स को एक आराम मिल सके, ताकि दोबारा आप लोग जो है उसी वर्कआउट्स को आप लोग कर सकें। नेक्स्ट फिफ्थ एक्सरसाइज है साइड लेग रेज। साइड लेग रेज में क्या करना है आप लोगों को, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को कि लेफ्ट लेग के साथ अभी आप लोगों ने किया था, वही एक्सरसाइज आप लोगों को राइट लेग के साथ भी करनी है। यानी कि लेफ्ट लेग जो है आप लोगों का स्ट्रेट पोजीशन पर रहेगा, एकदम फिक्स रहेगा, और राइट लेग जो है आप लोगों का 80-90 डिग्री आप लोग उठाएं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों के हिप ओपनर एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है, बूटी स्ट्रांग बनेगी, वहाँ पर एक्स्ट्रा फैट जो है हिप्स का वो गायब हो जाएगा,
और आप लोगों को मिलेगा एक अच्छा सा फिगर, और डेफिनेटली आप लोग जो है ये उठकर जरूर करेंगे। इसीलिए अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुबह उठकर ये वीडियोस आप लोग जरूर देखिए। अगर आप लोगों को अपनी बूटी को सुंदर बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना है और हैवी जो ग्लूट्स हैं उनको खत्म करना है तो ये एक्सरसाइज जरूर करेंगे। 10 सेकंड का रेस्ट पूरा हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग चलते हैं नंबर 6 एक्सरसाइज की ओर, लैटरल लंजेस। लैटरल लंजेस में आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में एक गैप रखना है, एक अच्छा सा गैप, और दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखना है। अब आप लोगों को एक पैर की ओर जो है वो झुकना है, तो घुटना जो है वो मुड़ जाएगा और दूसरा पैर जो है वो एकदम सीधा हो जाएगा। तो ये लैटरल लंजेस है, और लैटरल लंजेस भी आप लोगों के ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेल्दी बनाता है और एक्स्ट्रा फैट जो है वहाँ का गायब करता है। तो नंबर 6 एक्सरसाइज आप लोगों के ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आप लोगों की थाइज मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये सिर्फ आप लोगों के ग्लूट्स को ही नहीं, आप लोगों की हैमस्ट्रिंग मसल्स को भी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं, लैटरल लंजेस। अब आप लोगों के पास फिर से आ चुका है 10 सेकंड का रेस्ट, और 10 सेकंड के रेस्ट जो है आप लोग लीजिए, आराम कीजिए, मसल्स को थोड़ा सा जो है आराम दीजिए, वो ज़रूरी है। नंबर आप लोगों के पास है 7th एक्सरसाइज, और 7th एक्सरसाइज में आप लोग करेंगे बैक किक। बैक किक का मतलब, या हिप किक्स आप लोग बोल सकते हैं, रनिंग विद बैक किक आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जॉगिंग एक टाइप की हो जाती है आप लोगों की, और जब आप लोग एक जगह पर खड़े रहकर अपने हिप्स पर जो है पीछे से अपने ही जो एड़ियां होती हैं वो हिप्स पर लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, वहाँ की जो वे मसल्स हैं, वहाँ की मसल्स जो हैं उनको जब टच करते हैं आप लोगों की एड़ियां, तो वो क्या करते हैं कि एक जो स्टिफनेस होती है वो गायब हो जाती है, और आप लोगों को मिलती हैं एक स्मूथ एंड आप लोग कह सकते हैं कि फ्लैक्सिबल मसल्स, जैसे कि आप लोगों की मीडियस एंड मैक्सिमस मसल जो है वो स्मूथ होने लगती है। नंबर 8 एक्सरसाइज आती है रिवर्स लंजेस, और ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको भी आप लोगों को करना चाहिए ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। ये भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है। इसमें आप लोगों को दोनों हाथ जो है वो चेस्ट के सामने मोड़ते हुए एक पैर को पीछे की ओर लेकर जाना है, और घुटना मोड़ते हुए जो है आप लोगों को थोड़ा नीचे की ओर झुकना है। सिमिलरली आप लोगों को दूसरे पैर के साथ भी करना है, अगर आप लोग लेफ्ट लेग के साथ पीछे की ओर जा रहे हैं तो सिमिलरली आप लोग जो है राइट लेग के साथ भी पीछे की ओर जाएं। तो ये पूरा का पूरा वर्कआउट आप लोग सीजन देख सकते हैं, जो आप लोगों की ग्लूट्स को एक शेप देता है, अच्छी शेप देता है, और बेकार का जो फैट है वो गायब करता है और मसल्स मास बनाता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आज ही अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसी अन्य प्रकार के एक्सरसाइज की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और इससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को भी, और साथ ही इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया तो। धन्यवाद।